यूपीएपी का रोड शो डूरू शाबाद इस वक्त आजाद साहब कयादत कर रहे हैं, साथ में लोकसभा उम्मीदवार अनंतनाग राजौरी सीट के एडवोकेट सलीम पड़े हैं। एडवोकेट सलीम एक जवान साल लीडर एनर्जेटिक है। आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद आज़ाद साहब के साथ जुड़े हैं। आज़ाद साहब पीछे रोड शो की क़यादत कर रहे हैं। सियासी सरगर्मियाँ, जैसे कि हम कहते हैं, सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं क्योंकि कागजात नामजदगी के फौरन बाद सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। तकरीबन तमाम सियासी पार्टियाँ अपनी सियासी सरगर्मियों में लगे हुए हैं। इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी सीट के लिए अगर तो हम याद दिलाएं कि 25 कैंडिडेट ने कागजात नामजदगी दाखिल की थी, लेकिन उनमें कुछ कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे और आखिर पे 21 कैंडिडेट रह गए हैं जो मैदान में इस वक्त हैं। कहा जाता है कि इस मैच जो कांटे का टक्कर है वो है यूपीएपी वर्सेस पीडीपी वर्सेस एनसी वर्सेस अपनी पार्टी खास जफर इकबाल मनहास। तो अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का लीडर जो गुलाम नबी आज़ाद ने इसका नाम खुद न सामने किया है, यूपीएपी का राजौरी सीट के लिए। आप देखिए नाइयों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ आजाद पार्टी का लीडर देखिए आप जो कि उम्मीदवार है इस अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी सीट के लिए। सलीम साहब से बात करने की कोशिश करें, क्या कहेंगे सलीम साहब? एक बड़ी रैली, क्या कहेंगे? लोग जवाब देंगे चुनाव, लोग खुद जवाब देंगे। हम पंच कमरों में तकरीर नहीं करते, ना हम इंटरव्यू करते। यहाँ के लोग जनाब गुलाम नबी आजाद साहब के साथ हैं। यहाँ के लोग डायनास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ है, डायनास्ट पॉलिटिक्स। सलीम साहब का रिएक्शन ले लिया। सलीम साहब एनर्जेटिक है, जवान साल लीडर है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का। बताया जाता है गुलाम नबी आजाद साहब जो चेयरमैन है पार्टी का, उन्होंने खुद उनका नाम पेश किया है। तो अब देखते ये होगा कि पार्टी देखते ये होगा कि मैदान में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जिसमें मियां अल्ताफ एनसी के पीडीपी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती भी है। तो जिसमें जफर इकबाल मनहास अपनी पार्टी आपके आने वाला वक्त फंस गया है। 4 जून को जब इलेक्शन नतीजे आएंगे अनंत राजौरी पार्लियामेंट सीट के लिए, फिलहाल आप देख सकते हैं आजाद साहब सरगर्मी कर रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी की तरफ से ऐसी जल्द से हमें देखने को मिलते हैं।
देख सकते हैं आप डूरू के मेन मार्केट में इस वक्त है रोड शो। अनंतनाग के आखिरी गांव कपरन तक जाएगा, कपरन में इख्तिताम हो जाएगा। लाड़की पोरा से शुरू हुआ है जो गेटवे ऑफ शाहबाद है, देख सकते हैं ढोल नगाड़े, ढोल नगाड़े रहे। 7 मई को इलेक्शन का दिन है, तारीख है। अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट के लिए मैदान में 21 कैंडिडेट है, 21 कैंडिडेट है मैदान में। जो नुमाया कैंडिडेट है वो है एनसी के नेता पीडीपी की मुक्ति जफर इकबाल मनहास, अपनी पार्टी पीपीएपी के जवां साल और एनर्जिक लीडर एडवोकेट मोहम्मद सलीम पड़े, इसके साथ साथ जेकेएनपी के मुजफ्फर शाह के साथ साथ कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आजाद बराह रास्त तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद रोड शो की कयादत कर रहे हैं। फिलहाल डूरू शाहबाद से निकलकर, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि कपरन की तरफ ये रोड शो वाला का ऊपरी हिस्सा है, कपरन वहां तक ये रोड शो चलेगा। बुजुर्ग, जैसे कि मतलब बुजुर्ग भी चल रहे हैं अपने लाठी के सहारे, लेकिन रोड शो का हिस्सा बने हैं गुलाम नबी आजाद के साथ। जी कहाँ से आए आप? हम यहाँ शालनार से। शालनार से जी आप लाठी के सहारे चल रहे हैं? लाठी तकलीफ ही होगा चलने में? चलिए भूखा मार गया, सुबह से पीछे भूखा मार गया हम, रोटी नहीं खाना नहीं पीने से। नबी आजाद के साथ वाबस्तगी है? वाबस्तगी है तो चलेगा इंशाल्लाह, उनका कोई किया तो चलेंगे, न किया ये भी बैठेगा, हम क्या करेंगे, हमको क्या हमारे साथ उम्मीद है। गुलाम नबी आजाद करेंगे कुछ, जीतेगा जब जीत करेगा इंशाल्लाह, हमको उम्मीद है के बता जीत गया फिर जीते सलाम पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल हमारा तो वही है। चलो शुक्रिया। कुछ देखिए यहाँ पे एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे कुछ खिताब कर रहे हैं कुछ डूरू के मेन टाउन में। जैसे कि मैं बात कर रहा था सिक्योरिटी की, बड़ी नफरी सिक्योरिटी कहीं अनहोनी ना हो जाए सिक्योरिटी की। जम्मू कश्मीर पुलिस SHO डूरू की क़यादत में डूरू पुलिस भी काम कर रही है, तैनात है डूरू पुलिस, इस वक्त खड़ी है SHO साहब खुद खड़े हैं, साथ साथ बाकी एजेंसियां भी है, SOG भी है यहां पे, आप देख सकते हैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए और कोई नाखुशगवार वाक़ा ना हो जाए इस चीज़ को देखने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी। हमारे नए एजाज साहब जो ऑफिसर आए हैं वो भी खड़े हैं खुद डूरू के, तो हम आपको दिखाते हैं गुलाम नबी आजाद की कुछ इरशादात क्या है लोग।